गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 106वें वार्षिक समापन समारोह में पहुंचे यूपी सीएम आदित्यनाथ योगी ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र देश का भविष्य है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद किए गए हैं। गाय माता के नारे लगाने से सेवा नहीं बल्कि सेवा करने से ही सेवा होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने सत्ता में आते ही 48 घंटे के अंदर सभी बूचड़खाने बंद किए। यूपी सीएम ने कहा कि गौ सेवा से लोग स्वस्थ रहते हैं। समारोह के अध्यक्ष पिछले 2 घंटे से भारत माता के इन महान सपूतों इन ब्रह्मचारियों के कौशल को देख करके अंतःकरण से आनंद की अनुभूति हुई और मैं इसके लिए आदरणीय आचार्य देवव्रत जी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के इस व्यवस्था से जुड़े हुए व्यवस्थापकों सभी आचार्यों का हेलो भाई जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा की आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका सत्य बारंबार अभिनंदन करता हूं। आज से 15 वर्ष पूर्व मुझे दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मेरी शुरू से एक इच्छा रही, मैं कहीं जाता था तो इस बात के बारे में जानकारी लेता था कि वहां की मैं जो उस देश में गया वे 4 दिन का मेरा वहां पर निवास था। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहां कहां जाना चाहते हैं, आप मुझे लेकर के चलिए और दूसरा यहां की शिक्षा पद्धति के बारे में मैं जानना चाहता हूं। खड़े घर में गया तो मुझे बताया गया कि यहां की शिक्षा पद्धति बौद्ध मठों के द्वारा संचालित होती है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, बुद्ध का जन्म भारत में हुआ उनकी तपा भूमि भारत रही है, उनकी चर्या भूमि भारत रही है, महान निर्वाण की भूमि भी भारत रही है। लेकिन बौद्ध मठ इतने प्रगतिशील है कि हम लोग जब सत्ता में आए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे 2 शिकायतें मिलती थी। मैं सांसद तो मैं पहले से था, एक सांसद के रूप में जनता के बीच में जाने विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़े होने के कारण मैं सिर्फ 2 बातें सुनता था। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब मैं कहीं गांव में जाता था तो
से पूछता था कि क्या हो गया, और कहती थी कि हम अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, और अगर भेजते हैं या तो उस बालिका का अपमान हो जाता है, ऐसे अटैक हो जाता है। मैं सुनकर के दंग रहता था, ऐसी स्थिति है। मैं पूछता था कैसे भेज रहा, कहते भैया तो स्कूल भेजना बंद कर दे रहे हैं, हमारे पास साधन होता है तो कहीं दूर हॉस्टल में अपने बच्चों को रखते हैं या फिर किसी रिश्तेदार के घर में भेज देते हैं। वही मध्यकाल का दौर, वहां लाने का प्रयास। और दूसरा, मेरे पास एक डेयरी संचालक आया पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उसने कहा कि मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मैं उस समय सांसद था, उसने कहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुझे कोई एक जगह उपलब्ध करवा देते। मैंने कहा क्या हो गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई डेयरी नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब गोवंश नहीं बचा है। मैंने कहा क्या हो गया, कहा वहां पर इतने अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं, अगर किसी की गाय थोड़ी घर से बाहर निकल गई गायब हो जाती थी, कोई बैलगाड़ी लेकर के जा रहा है और गाड़ीवान अगर कहीं पर चाय पीने के लिए किसी दुकान में बैठ गया और सड़क पे बैलगाड़ी है तो पीछे का ढांचा रूप छूट जाता था और बैल गायब हो जाते थे। कहां चले गए पता ही नहीं। सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही उत्तर प्रदेश के लिए कहा कि जरूर उत्तर प्रदेश का दायित्व संभालो। कोई तैयारी नहीं, यहां किसी तैयारी की नहीं था। एक जोड़े कपड़े थे बस, तो पहले इसी में गया लखनऊ, शपथ ग्रहण करके बैठ गया। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि चलिए एक अवसर मिला है, कम से कम दो कार्य तो कर ही सकता हूं। एक, इसी बहाने गौ माँ की रक्षा हो जाएगी, गौ माता की रक्षा होगी। तो मैंने कहा देखो सबसे पहला काम करो, जितने भी इलीगल बूचड़ खाने सबको बंद कर दो, प्रशासन काम नहीं होगा। मैंने कहा देखो मैंने अब तक एक बात सीखी है कि जीवन में कभी ना शब्द का प्रयोग नहीं करना है, और अगर मेरे साथ जिसको कार्य करना है उसको सदैव सकारात्मक बनना पड़ेगा, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमारी सकारात्मकता को, हमारी रचनात्मकता को नष्ट करती है। और इसलिए मैंने कुछ हां में उत्तर सीखा है, हार में कार्य होगा और जो करेगा वो यूपी में रहेगा, जो नहीं करेगा वह अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जाने की तैयारी कर लो। अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण थे, और मैंने भी इस बात को कहा, मैंने कहा देखो टेक्नोलॉजी का समय है, मैं जानता हूं मैं अभी अकेले हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, पूरा प्रदेश मेरे साथ है, और 24 घंटे के अंदर मैं केवल चाहता हूं कि जितने भी इलीगल बूचड़ खाने सब बंद कर दो। बंद हो गए, आंदोलन चले, न्यायालय ने कुछ नोटिस जारी की, तनाव कुछ होता रहा, लेकिन बंद हो गया। अब बंद होने के बाद जनता को तो राहत मिल गई, लेकिन मेरी समस्या बढ़ गई, और मेरी समस्या बन गई कि बढ़ गई कि बहुत बड़ी संख्या में आवारा गोवंश सड़कों पर आ गया। कुछ लोगों ने सारा तंग भेज दिया, खेतों में सड़कों पर। तो मैंने इस बारे में अचानक दिल्ली गया था, मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने बात रखी, उन्होंने कहा कि इस बारे में बहुत अच्छा काम है हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल,
और तब आचार्य जी के साथ फिर मेरा संवाद होता है। भाइयों बहनों, केवल जय जयकार से काम नहीं चलेगा। हम गौ माता की जय बोल देंगे तो इससे गौ माता की रक्षा नहीं होगी। गौ माता के उस अमृत तत्व को, उन औषधीय गुणों को जब तक हम समाज के सामने नहीं रखेंगे, तब तक केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। और मुझे लगता है गुरुकुल कुरुक्षेत्र में गौ माता के संरक्षण के लिए भी और गौ माता के संवर्धन के लिए भी जो कार्य किया है अभूतपूर्व है, सचमुच अभिनंदनीय है। इस प्रकार के नए नए अनुसंधान किए हैं, किस प्रकार से एक नई कार्य पद्धति को जन्म दिया है, अपने धारण है का संवर्धन कैसे होना है। भारत इस दुग्ध क्रांति के माध्यम से दुनिया के अंदर फिर से अपने आप को कैसे स्थापित कर सकता है, इसका उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया गया। मैं गौशाला में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, गौ संवर्धन केंद्र में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इतनी उन्नत नस्ल का भारतीय गोवंश है, हर प्रकार का गोवंश है, साहिवाल भी है, हरपाकर भी है, गिर भी है, हरियाणवी भी है, गढ़सिंधी भी है, और मेरा तो मानना है जिस घर में गोवंश गो माता की सेवा होती है, हर प्रकार के अंधाने से वो घर परिपूर्ण होता है, हर प्रकार से। मैं तो स्वयं इन बातों को देखता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां के सभी छात्र, यहां के सभी कर्मचारी इन सभी कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मेरे सामने है, गोरखपुर में है जो हमारा आश्रम है, ज्यादातर लोग एकदम मानसिक रूप से स्वस्थ हो गए बिना किसी दवा के, बिना किसी अन्य प्रकार के कार्य के एकदम स्वस्थ हो गए। उसमें से जिन लोगों को घर जाना था उनके अहवानों को बुलाकर कहा गया कि ले जाओ इनको अपने घर, अब ठीक हो गए। कुछ लोगों ने कहा आप घर नहीं जाएंगे, हम अब यहीं रहेंगे, कुछ लोग योगी बन गए। और एक को ऐसा था कि वो आया मेरे पास, वहां पर वस्त्र दो बार कपड़े मिलते हैं, वो आया मेरे पास, उसने कहा कि मुझे मेरे अनुसार कपड़ा चाहिए। मैंने कहा जाओ जैसा कपड़ा तुम्हें चाहिए मिलेगा। तो मंदिर का अकाउंटेंट कपड़ा दे रहा, और उसने कहा नहीं मैं सामान्य कपड़े नहीं लूंगा, मेरे पास शिकायत आई कि देखो कह रहा कि मैं सामान्य कपड़े नहीं लूंगा। मैंने कहा ये तो जैसा चाहता है। उसने कहा मैं एक बार में दो प्रकार के कपड़े बनाऊंगा। मैंने कहा जैसा चाहता है वैसे जाओ बनाओ इसका मेरा वो। उसने कहा मेरे लिए एक सफेद कुर्ता बनाओ, सफेद पजामा बनाओ, एक टोपी बनाओ, जूता मोजा सब बनाया। होली के अगले दिन वो पहन करके मेरे पास आया। तो पहले तो मैं उसको पहचाना नहीं, क्योंकि छह महीने पहले तक वो तो एकदम विचित्र जैसा था। वो सेवा करते करते और इतना वो सेवा करता था कि जब मैं गौशाला में जाता था तो पहचानना भी उसके लिए कठिन हो जाता था। लेकिन उसने स्नान करके अच्छे कपड़े पहन करके आया मेरे पास। उसने नमस्ते किया, तुमने बहुत ध्यान से बन गया, तुम तो गौशाला में काम करते हो। उसने कहा हाँ। उसने कहा इसीलिए तो आया हूं, तुमने बहुत सेवा कर ली है, आपने अच्छे कपड़े मंगवा दिए हैं, वे काम और कर देते। मैंने कहा बोलो। उसने कहा मुझे एक तो गाड़ी दे दीजिए, दो बंदूक वाले दे दीजिए, और चुनाव लड़ने में जा रहा हूं।
विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे तो उस निकाय में चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति कल तक जिसके सोचने की क्षमता नहीं थी, आज उस व्यक्ति को इतना भाव आ गया कि अच्छा कपड़ा पहनूंगा, चुनाव लड़ने की बात सोच रहा है। खैर, उसके परिवार के लोगों को बुला करके और जो चाहता था उसके अनुसार उसके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था मैंने उसको की। इतनी बड़ी कृपा है वो माता की, स्थिति यहां पर आदर्श रूप से देखने को मिली है। कैसे उन गौ संरक्षण का कार्य भारत के अंदर होना चाहिए। भारतीय वंश का गोवंश बचेगा कि नहीं बचेगा, जो प्रश्न था उसका जवाब गुरुकुल कुरुक्षेत्र है कि भारतीय नस्ल का गोवंश बचेगा भी, उन्नत होगा भी और दुनिया के लिए एक उदाहरण भी बनेगा। आज तो आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर भारतीय गोवंश का जो दुग्ध है स्वास्थ्य के लिए यही सबसे उत्तम है। बहुत सारे देशों में